अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को हर कोई निवेश कर मुनाफा कमाना चाहता है, लेकिन कई बार निवेश की समझ ना होने या फिर दूसरों को देख करके निवेश करने से नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में क्या वित्तीय सलाहकार की मदद लेनी चाहिए? क्या निवेश सलाहकार आपके पैसों को हिफाजत से निवेश करेगा? कई सलाहकार के भरोसे बैठ करके आप फायदे की जगह घाटा तो नहीं दे देंगे? इन्हीं बातों को समझने के लिए आज हमने मनी गुरु का ये खास एपिसोड रखा है और ये तमाम बातें हमें समझाएंगे आनंद राठी के फिरोज अजीज, जो कि इस वक्त मनी गुरु में हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है फिरोज आपका मनी गुरु में। फिरोज, हमेशा ही हम जो हमारे दर्शक हैं उन्हें वो कहाँ निवेश करें, किस तरह से उन्हें ज्यादा रिटर्न मिलेगा, इस बारे में सलाह देते रहते हैं। आज हमने सोचा कि क्यों ना हमें खास एपिसोड करें और दर्शकों को ये बताएं कि वित्तीय सलाहकार की आखिर क्या जरूरत होती है। अमूमन हमने ये देखा है कि अगर तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कोई केस ऐसा होता है जो अटका पड़ा होता है, न्याय की जरूरत होती है तो वकील के पास जाते हैं। क्या वजह आपको लगती है कि भारत में अगर आपको निवेश करना है तो अपने दोस्तों से पूछ के, रिश्तेदारों से पूछ के लोग निवेश कर देते हैं, लेकिन निवेश सलाहकार के पास नहीं जाते? और निवेश सलाहकार की आखिर जरूरत क्या? देखिए, अब पैसा बहुत अहम हिस्सा होता है एक लाइफ का। अगर पैसे को मैनेज करने के लिए अगर आपने प्रोफेशनल हेल्प ना ली तो फिर वो पैसे की ग्रोथ और उसकी बढ़त इंश्योर नहीं होगी। उसकी संभावना बढ़ाना आपका कर्तव्य है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं या फिर आपकी फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपके डिपेंडेंट्स हैं, तो वो गोल्स मीट करने की संभावना बढ़ाने के लिए एक एडवाइजर, प्रोफेशनल एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पहलू, बहुत सारे पहलू हैं इन्वेस्टमेंट के और उसको एक पार्ट टाइम प्रोफेशन के तौर पर सीखना कठिन है। तो आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक साथी की जरूरत पड़ेगी ताकि वो 10, 20, 30 सालों तक आपके साथ बना रहे, ताकि आप इमोशनली स्ट्रांग हो, जब करेक्शन आए ग्रीड और फियर आपको ना ओवरवेलम कर पाए। तो ये देखा गया है कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स, अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ अगर किसी ने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की तो उनकी फाइनेंशियल फ्यूचर काफी ज्यादा बेहतर होती है। अच्छा फिरोज, एक बात और बताइए कि अगर हम निवेश सलाहकार ढूंढ रहे हैं, किसी को रखना चाहते हैं, किसी की मदद लेना चाहते हैं, तो वो कौन सी चीजें हैं जो एक निवेश सलाहकार के अंदर हमें देखनी चाहिए? क्योंकि जो पैसा है वो बड़ा अहम होता है और अगर किसी के ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं खास करके निवेश के लिए, तो वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें खास करके हम ख्याल रखें सलाहकार चुनने के मामले में? देखिए, एक सलाहकार को बहुत सारी एक एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए, एक क्वालिटीज होनी चाहिए। एक होता है उसकी क्षमता, उसकी काबिलियत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनकी काबिलियत होनी चाहिए कि आपके वो एडवाइस दे सकें। उनकी जानकारी जो उन्होंने प्राप्त की है अब तक अपने तजुर्बे से, वो काफी बेहतरीन होनी चाहिए। तो कैपेबिलिटी मेजर करें, उनसे जब बातचीत करते हैं तो आपको समझ में आता है कि उनकी कितनी डेप्थ नॉलेज की है, ये इंपॉर्टेंट है, कैपेबिलिटी। दूसरा होता है विश्वास, उनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं। और दूसरा उनका कमिटमेंट होता है कि उनके पास 100, 200, 400 कस्टमर ना हो, ताकि वो आपके पैसे पे तवज्जो ना दे सके। सो ये तीन एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट है, कैपेबिलिटी, ट्रस्ट एंड कमिटमेंट। ये तो ब्रॉडर इंडिकेशंस हो गए, उसके बाद निटिग्रिटीज भी बहुत सारी हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, बट दीज आर द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज शालिनी। और फिरोज, मैं आपसे ये भी समझूंगी कि अगर हमने कोई निवेश सलाहकार नियुक्त कर लिया है तो क्या सिर्फ उसी के भरोसे बैठे रहने से काम चल जाएगा या खुद भी कुछ सावधानी रखनी चाहिए? लेकिन फिलहाल एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त प्रवीण जी। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा नमस्ते मैडम, मेरा ये सवाल था कि मैं कोडेक्स सिलेक्ट फोकस, एलएनटी इमर्जिंग, एलएनटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सुंदरम रूरल में इन्वेस्टेड हूँ। हेलो जी, जी बताइए। हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये फंड पिछले 2-3-4 महीने से ठीक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो क्या मैं इसमें बना रहूँ या निकल जाऊँ इसमें से, या क्या करना है इसमें? जी, और कब से निवेश आप कर रहे हैं? हाँ मैडम, कितना वक्त हो गया आपको निवेश करते हुए? मुझे 3 साल हो गए इसमें निवेश करते हुए। और लंबी अवधि के लिए आपने निवेश किया है? हाँ डेफिनेटली, कम से कम 5 साल तक मेरा टारगेट है जी। फिरोज, देखिए प्रवीण का कहना यह है कि 3 से 4 महीने हो गए और इनके फंड ठीक तरह से रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, 3 से 4 महीने के अंदर ही इनको डर लगने लगा, क्या सलाह आप देंगे?
देखिए एक एक म्यूचुअल फंड के निवेश के पहले, इसीलिए आई थिंक जैसे हम प्रीवियसली बात कर रहे थे कि एडवाइजर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि एडवाइजर आपको समझता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए. एक म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म व्हीकल है, ये इसकी कोई दो राय नहीं है. एक लॉन्ग टर्म व्हीकल को लॉन्ग टर्म की जरूरत पड़ेगी ताकि वो अपने प्रदर्शन को दिखा पाए. तो पॉइंट वन, एडवाइजर रखें ताकि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को टोन डाउन कर सके. पॉइंट टू, एक म्यूचुअल फंड एक व्हीकल है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने की क्षमता रखता है. शॉर्ट टर्म में उसके रिस्क काफी ज्यादा होते हैं. 5 साल 10 साल की अवधि में ये देखा गया है कि उनकी रिटर्न्स काफी स्टूपेंडेंस है. एफडी से 2 या 3 गुना ज्यादा रिटर्न्स मिली है अगर एक निवेशक अपने अपने मन को कंट्रोल में रख के पूरे निवेश की जो दौर है वो पूरी कर सके. पॉइंट टू. पॉइंट थ्री, इनकी जो फंड्स हैं, अगर आप 3 to 4 months ही हुए हैं आपको म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू किए हुए, तो आपको कोई सेक्टोरियल फंड, थीमेटिक फंड नहीं लेना चाहिए. प्रवीण, जैसे आपने L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिया है, वो फंड एक बहुत जागरूक इन्वेस्टर के लिए है, नवीन नए इन्वेस्टर के लिए वो अच्छी चीज नहीं है. तो ये प्लीज इस पॉइंट्स का ध्यान रखें और थोड़े माइनर मॉडिफिकेशंस करें. आई थिंक आपने L&T के 3 फंड खरीदे हुए हैं, 2 या 3 फंड खरीदे हैं. L&T एक बड़ा फंड हाउस नहीं है, छोटा फंड हाउस है. टॉप 10 फंड हाउसेज में रहें, अपने पैसे को ज्यादा स्प्रेड ना करें. ये मेरी 4 सलाहें होंगी आपको प्रवीण जी. और फिरोज, अभी जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं और L&T में उनका निवेश है, क्या उन सभी के लिए आपकी यही राय है? आई थिंक ये एक थंब रूल बनाना चाहिए कि कभी भी अगर आप अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की निवेश कर रहे हैं, टॉप 5-7 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के भीतर ही रहें. उससे ज्यादा आपको बाहर जाने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टेटिस्टिकली आपको 7 फंड चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए. तो L&T आई थिंक डबल डिजिट रैंकिंग है उसकी, बहुत बड़ा फंड हाउस नहीं है. सो सब जो भी हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा कि इक्विटी को आप टॉप फंड हाउसेज में रखें, क्योंकि उनके पास एनालिस्ट ज्यादा होते हैं, उनको पास पैसे ज्यादा मैनेज करने के लिए ज्यादा होते हैं, उनका तजुर्बा ज्यादा होता है. तो ये देखा गया है कि लार्ज फंड हाउसेज इज अ गुड आइडिया. सो द सेम एडवाइस गेट्स एक्सट्रापोलेटेड टू ऑल ऑडियंस. बिल्कुल. तो फिरोज, जो बातें आपको इस वक्त बता रहे हैं उन्हें आप नोट करते चलिए ताकि कहीं बाद में आप भूल ना जाए. अगले कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं. अशोक जी फोन लाइन पर है. अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में. बताइए, क्या सवाल है आपका? मैम, आई एम इन्वेस्टिंग इन SIPs सिंस लास्ट 1 year. आई हैव इन्वेस्टमेंट इन ICICI प्रूडेंशियल, L&T मिड कैप, रिलायंस स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप एंड आदित्य बिरला स्मॉल कैप. ठीक है. आई एम इन्वेस्टिंग 5,000 rupees एवरी मंथ. आई जस्ट वॉन्ट टू चेक विथ यू मैम वेदर दिस फंड सिलेक्शन इज राइट और डू आई नीड टू change some fund after mutual fund has changed certain categories and other things. और कितने वक्त के लिए आप निवेश जारी रख सकते हैं? इट्स अ लॉन्ग टर्म, मतलब लंबे समय के लिए है मैम ये, और अगले 10 से 15 सालों के लिए मैम. जी बिल्कुल. और कई लक्ष्य भी अशोक आपने बताए हैं, आपकी 2 बेटियां हैं उनकी पढ़ाई के लिए और अंत में शायद रिटायरमेंट की भी आपकी प्लानिंग है, उसके लिए भी 2 करोड़ आपको चाहिए. यस मैडम. फिरोज, क्या सलाह देंगे? देखिए अशोक जी, आई थिंक एक चीज तो मैं सहमत हूं कि आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं. सब निवेशकों को ये अपने जहन में बिठा लेना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स एक बहुत बोरिंग, शॉर्ट टर्म में बहुत बोरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं. उसमें ज्यादा आपको उतार चढ़ाव नहीं दिखेगा, बट शॉर्ट टर्म रिस्क हो सकता है. लंबी अवधि में म्यूचुअल फंड्स ने बहुत वैल्यू क्रिएट की है अपने निवेशकों के लिए, और लंबी अवधि में जैसे अशोक जी कह रहे हैं वो रखना सबसे अहम सलाह होगी एक निवेशक के लिए, नए निवेशक के लिए स्पेशली. पॉइंट टू, इनके जो फंड्स हैं उसमें 3 बदलाव की जरूरत है. अशोक जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो आपको 3 या 4 फंड्स में बदलाव करने पड़ेंगे. रिलायंस स्मॉल एंड मिड कैप, स्मॉल कैप फंड में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि उसकी जो रिस्क है जिसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं टेक्निकल नॉवल क्लेचर में, टेक्निकल अल्फाज में, उसकी थोड़ी ज्यादा है. तो रिलायंस स्मॉल एंड मिड कैप, स्मॉल कैप फंड को थोड़ा आप जांचें और उसमें से एग्जिट करने की आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं. ICICI फोकस ब्लू चिप एक स्कीम है जो ICICI की बास्केट में बहुत बड़ा स्कीम हो चुका है, तो उसमें प्रदर्शन देना फंड मैनेजर को कठिन हो रहा है, तो उसको आप रिकंसिडर करें. आदित्य बिरला इंफ्रास्ट्रक्चर फंड,
एक थीमेटिक स्कीम है उसमें से भी एग्जिट की मैं सलाह दूंगा. मोतीलाल ओसवाल फोकस 35 बी एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, हाई रिस्क पोर्टफोलियो है, वेरी स्पोरैडिक, तो ये चार फंड्स में तब्दीली की जरूरत है. और अगर आपको ऐड करने हैं दो और फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, मिराय एसेट इंडिया एक्विटी, ये दो स्कीम्स आप ऐड कर सकते हैं और वो चार स्कीम्स एग्जिट कर सकते हैं. ये मेरी सलाह रहेगी अशोक आपके लिए. चलिए, तो फिरोज ने आपको जो सलाह दी है उसे जरूर मानिएगा. और जो फंड्स बेहतर रिटर्न नहीं दे रहे हैं और इन फ्यूचर जिनके देने की संभावना नहीं है, उनसे एग्जिट कर लेना ही फायदे का सौदा होगा. और हमारे साथ इस वक्त मरीगुरु में मौजूद है फिरोज अजीज, जो कि आपके तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं. फिरोज, एक बड़ी बात यह भी है कि अगर निवेश सलाहकार की हमने मदद ले ली है, कोई भरोसेमंद निवेश सलाहकार हमें मिल गया है, तो क्या सिर्फ उसके ऊपर ही भरोसा करके बैठ जाना चाहिए? क्या कुछ अपनी जिम्मेदारी भी बनती है? पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहना चाहिए? कंपनी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए? कुछ इस तरह की चीजें हैं, कोई सलाह है जो आप देना चाहेंगे दर्शकों को? बिल्कुल, आई थिंक एक दो तीन इंपॉर्टेंट सलाह है. एक तो आपको क्या करना है, जैसे शालिनी जी आपने बहुत सही सवाल पूछा, सिर्फ आप किसी और पे डिपेंड नहीं कर सकते. इतनी अहम चीज, जो जिंदगी की इतनी अहम चीज पे आप पूरा आउटसोर्स नहीं कर सकते. बट सलाहकार जब आप चूज कर रहे हैं तो आपको सही सवाल पूछने बहुत जरूरी है. अगर आप हर छोटी सर्विस के लिए इतना ज्यादा होमवर्क करते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए ज्यादा होमवर्क करना चाहिए. पहला सवाल आपको अपने एडवाइजर से ये पूछना चाहिए कि आप जो म्यूचुअल फंड से फी लेते हैं वो कैसी किस्म की फी लेते हैं. दो कमीशन होती है, अपफ्रंट कमीशन जो आपके सलाहकार को मिलती है, दूसरी होती है ट्रेल कमीशन. अपफ्रंट कमीशन लेने वाले सलाहकार की एडवाइस में थोड़ी कमी पेशी आ सकती है. अगर वो ट्रेल कमीशन फॉलो कर रहे हैं तो आप ज्यादा सेफ होंगे. ट्रेल कमीशन वो होता है, जैसे आपकी वैल्यू बढ़ेगी उनकी कमीशन बढ़ेगी, तो ताकि दोनों एडवाइजर और क्लाइंट दोनों एक साइड ऑफ द टेबल हों. ये पहला पॉइंट है. नोइंग योर एडवाइजर्स कमीशन इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, नोइंग योर एडवाइजर्स पोर्टफोलियो. जैसे आप अपने पूरे पोर्टफोलियो की जानकारी अपने एडवाइजर को देते हैं, वैसे ही एडवाइजर अगर आप अपने आप की पोर्टफोलियो की आपको जानकारी ना दें तो ये सही बात नहीं होगी. तो अपने पोर्टफोलियो क्लाइंट, अपने एडवाइजर का पोर्टफोलियो आप देखें और दोनों में सिमिलैरिटी होनी जरूरी है. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि उनका तजुर्बा क्या है. जी उनका बताइए. तजुर्बा भी आप जान ले, 10 या 12 साल का तजुर्बा होना चाहिए. जी एक सवाल मैं और पूछना चाह रही हूँ कि लास्ट पीस ऑफ एडवाइस है. जी बिल्कुल, सवाल मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो कंपनी के एजेंट होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो आपके पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी कंपनी की स्कीम बहुत अच्छी है, पिछले कुछ साल का उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है और आप इसमें पैसा लगाएं, उन एजेंट्स में और एक निवेश सलाहकार में अंतर हम कैसे करें? क्योंकि वो एजेंट भी हमें यही बताते हैं कि उनके पैसे का हम ख्याल रखेंगे, उनके पैसे को 2 गुना 3 गुना कर देंगे. क्या अंतर आपको लगता है एक एजेंट में, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव में और एक निवेश सलाहकार में? एक निवेश सलाहकार एक होलिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करता है. ये एजेंट सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने में लगे रहते हैं और वो प्रोवाइड करने में लगे रहते हैं. ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे. एक सलाहकार वो होता है जो पूरी आपकी प्लानिंग कर पाए. प्लानिंग में ग्रोथ आता है, प्रोटेक्शन आता है और आपकी ट्रांसमिशन आती है. तो एक सलाहकार एक होलिस्टिक होता है. एक एजेंट सिर्फ आपको प्रोडक्ट देता है और वो प्रोडक्ट अगर अच्छा निकला तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर प्रोडक्ट खराब निकलता है तो आपका नुकसान हो जाता है. सलाहकार आपकी जर्नी में आपके साथ बना रहता है लाइफ टाइम तक, उसको कहते हैं एडवाइजर. दूसरा होता है प्रोडक्ट सेलर. तो एडवाइजर को सही तरीके से चुनना और एडवाइजर रखना जरूरी है. प्रोडक्ट सेलर्स मार्केटिंग में मसरूफ रहते हैं तो मेरे हिसाब से एडवाइजर्स आर अ बेटर चॉइस. बिल्कुल, तो एडवाइजर आपके दोस्त की तरह होता है जो हर वक्त साथ भी देता है और जब कोई गलत निवेश हो जाता है या रिटर्न ठीक से नहीं मिल रहा होता है तो उसकी जानकारी भी आपको जरूर देता है. एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं. हमारे साथ हैं परमप्रीत सिंह जी. बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में. कहां से बोल रहे हैं आप परमप्रीत जी? हेलो
शायद हमारा संपर्क टूट गया परमप्रीत जी से, लेकिन मेल जो उन्होंने भेजी थी वो हमारे पास है फिरोज, और उसी के आधार पर जवाब भी इनके सवाल का हम दे सकते हैं। परमप्रीत जी फिलहाल ये कह रहे हैं कि दो फंड्स में वो निवेश फिलहाल कर रहे हैं, और एबीएसएल फोकस्ड इक्विटी में इनका निवेश है, और साथ ही एबीएसएल टैक्स रिलीफ 96 में ये इस वक्त निवेश कर रहे हैं। 7 साल में इनका जो टारगेट है वो है 15 लाख का। जानना चाहते हैं कि अभी जो निवेश ये कर रहे हैं क्या उससे लक्ष्य हासिल कर पाएंगे? देखिए, जो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ये लक्ष्य प्राप्त करना थोड़ी कठिनाई का काम है। तो जैसे इनकी आय बढ़े, इनको हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाता जाना चाहिए, तब ये लक्ष्य इनका जरूर पूरा हो सकता है। चलिए, तो 10% आपको बढ़ाना होगा अपना लक्ष्य। है कि इन्होंने दो जी तो इन्होंने दो स्कीम्स ली हैं और दोनों ही सेम एसेट मैनेजमेंट कंपनी की हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ की हैं। ये गलत रणनीति है। हमारे सब दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि आपको एक फंड हाउस में दो स्कीमों की जरूरत नहीं है, और थोड़ा आप दो एसेट मैनेजमेंट कंपनी से अलग स्कीम्स लेंगे तो आपको थोड़ा रिस्क मिटिगेट होगा, और उनकी स्टाइल्स डिफरेंट होती हैं। सो नेवर बाय 2-3 स्कीम्स ऑफ द सेम फंड हाउस, स्प्रेड योर मनी अक्रॉस डिफरेंट फंड हाउसेस। चलिए, और अगले कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एपी सिंह है इस वक्त फोन लाइन पर, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। सर, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। मैं, मेरा सवाल ये कि मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हूँ म्यूचुअल फंड में, और मैं 10-15,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं मैं किस, मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ? और सेकंड, मैं अप्रोक्सीमेटली पर मंथ 8,000 रुपीज पीपीएफ अकाउंट में लगाता हूँ। इज इट राइट डिसीजन और नॉट? क्या एज है आपकी? मेरी अभी 30 ईयर्स एज है। कोई गोल भी आपका है? हाँ, मैं एक्चुअली, मेरे पास अपना घर तो मैंने ले लिया है गुड़गांव में। मेरा बेटा अभी 3 मंथ का है। 15, जब वो 15 का हो जाएगा तो मुझे लगभग 15-20 लाख रुपए चाहिए उसके एजुकेशन के लिए। और आफ्टर 50 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट चाहता हूँ, तो उस टाइम मुझे 2 करोड़ रुपए का आई थिंक रिक्वायरमेंट होगा फॉर रिटायरमेंट। ठीक है फिरोज, सवाल आपने सुन लिया होगा, और पहली बार म्यूचुअल फंड में ये निवेश कर रहे हैं। 10-15,000 रुपए हर महीने निवेश ये कर सकते हैं। 30 साल की उम्र है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? पहले तो बधाइयां देना चाहूंगा, और हर निवेशक को सिंह साहब से सीखना चाहिए कि जब उनका लड़का 3 महीने का है तो उनकी फ्यूचर 15 साल बाद की प्लानिंग वो आज करना चाहते हैं। और इन्वेस्टमेंट्स में, पैसों में प्लानिंग जितनी जल्दी कर पाएं उतना ही आपका लक्ष्य पूरा होने की संभावना बढ़ती जाती है। सो दैट्स अ ग्रेट जॉब मिस्टर सिंह। पॉइंट टू, जो आपने पैसे डालने हैं महीने दर महीने, आपको 3 स्कीम्स रेकमेंड करूंगा। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड। ये 3 स्कीम्स आप लिख रहे हैं, इसमें अगर आप निवेश करेंगे तो आपके इन 3 स्कीमों के जरिए 150 से 200 शेयर आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो जाएंगे, तो एक अच्छा रोबस्ट सा पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। सिंह साहब, आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो आप पीपीएफ में पैसे लगा रहे हैं वो सही रणनीति है कि नहीं है। पीपीएफ एक अच्छा टैक्स एफिशिएंट डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें आप अपने पैसे और अपने निवेश को बरकरार रखें। और आपके अपने बेटे के लिए 15 लाख रुपए जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ मात्र आपको 2,500 रुपए महीने दर महीने इन्वेस्ट करने हैं। जो आप कर पाएंगे तो आपके 15 साल बाद जो लक्ष्य है 15 लाख का, वो भी पूरा हो जाएगा। ये आपकी मेरी आपको ये सलाह रहेगी सिंह साहब, एंड अ ग्रेट जॉब। चलिए, तो सिंह जी, आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया, और उसके साथ ही जो बाकी तमाम दर्शक इस वक्त मनी गुरु देख रहे हैं उन्हें भी ये सलाह मिल गई है कि जितना जल्दी वो निवेश करेंगे, जितनी अच्छी उनकी रणनीति होगी, उतना ही ज्यादा उन्हें फायदा होगा। और अगर आप जल्दी निवेश शुरू करते हैं तो बाद में आपके ऊपर भार कम पड़ता है, बाद में आपको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होता है, धीमे धीमे इन्वेस्टमेंट होता है, और अंत में आपका जो लक्ष्य है वो आपको मिल जाता है। फिरोज, आज के कार्यक्रम के लिए वक्त हमारे पास बस इतना ही था। बहुत शुक्रिया आपका, आप मनी गुरु में आए और इतना समय हमें दिया।